गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल बी स्टडी जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज ऑफ क्लास सेकेंड. सो प्लीज टेक आउट योर जीके बुक एंड नाउ ओपन योर बुक. पेज नंबर 2121. टुडे वी विल बी स्टडी चैप्टर 15. चैप्टर 15 योर चैप्टर नेम इज रिलीजियस प्लेस. योर चैप्टर नेम इज रिलीजियस प्लेस. रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक और प्लेसेस मीन्स होता है स्थल. ठीक है, तो रिलीजियस प्लेसेस एक नहीं है प्लेसेस. ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस धार्मिक स्थल. जो आपका चैप्टर है वो रिलीजियस प्लेसेस मीन्स की धार्मिक स्थल पे बेस्ड है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और देखते हैं कि क्या बोलता है ये धार्मिक स्थल के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. इंडिया इज द birthplace of many religions. India is the birthplace of many religions. There are many religious places in India. There are many religious places in India. Identify the religions, places and using the clues find where they are located. Means इसका ये है, क्या बोल रहा है आप लोगों को समझ में आया? यह है इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिलीजियंस. देयर आर मैनी रिलीजियंस प्लेसेस इन इंडिया. हमारे इंडिया में मीन्स कि भारत में अनेक धर्मों का जन्म स्थान है. हमारा जो भारत है, हमारा इंडिया है, वो अनेक धर्मों का, अनेक रिलीजियंस का जन्म स्थान है, जन्म बर्थ प्लेस है. ठीक है, भारत में कई धार्मिक स्थल है. जो भारत है हमारा, इंडिया में बहुत सारे रिलीजियंस प्लेसेस हैं. मीन्स कि बहुत सारे, कई सारे धार्मिक स्थल हैं. धार्मिक स्थानों की पहचान करें, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिलीजियंस प्लेसेस एंड Using the clues find where they are located. हमें धार्मिक स्थलों की पहचान करना है किसकी हेल्प से, क्लू बॉक्स यहाँ पे दिया है, क्लूज की हेल्प से. यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, क्लूज की हेल्प से हम लोग इसको पहचानेंगे और मालूम करना है यूज करके, क्लू बॉक्स की हेल्प से मालूम यूज करेंगे और उसकी मालूम करेंगे उससे कि कहाँ पर लोकेटेड भी है, मीन्स कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है और कैसे क्या इसका नेम क्या है और ये कहाँ पर है. दिया है दिस इज द लोटस टेम्पल. क्या है, दिस इज द लोटस टेम्पल. इट इज द बिहा हाउस ऑफ वर्शिप. इट इज लोकेटेड इन, ये हमारा क्या है, लोटस टेम्पल है. ये क्या है, लोटस टेम्पल है. इट इज द, अब हमें बताना है कि इट इज लोकेटेड इन, कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. तो ये जो हमारा लोटस टेम्पल है ये वो हमारा लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. तो लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, न्यू दिल्ली, एन ई डब्ल्यू न्यू दिल्ली, डी ई एल एच आई दिल्ली. तो फिल कर दिया हम लोगों ने कि हमारा क्या है, लोटस टेम्पल है और ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. ठीक है, ये देखिए दिस इज द लोटस टेम्पल. इट इज द बिहाई हाउस ऑफ वर्शिप. इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट देखते हैं सेकंड
This is the Basilica of Bom Jesus. It is the oldest church in India. It is located in ये क्या है? ये है Basilica of Jesus है. यह भारत का सबसे पुराना चर्च है. ये जो भारत है, हमारे इंडिया है, उसका ओल्डेस्ट चर्च, यानी ओल्डेस्ट भारत का सबसे पुराना चर्च है. और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन, तो ये हमारा लोकेटेड है गोवा में. ठीक, कहाँ पे है? गोवा में. यहाँ पे क्या फिल करेंगे? GOA, गोवा. और ये हमारे क्या है? इंडिया का सबसे पुराना चर्च है, ओल्डेस्ट चर्च है, और ये हमारा गोवा में लोकेटेड है. नेक्स्ट थर्ड देखते हैं. दिस इज द अक्षरधाम टेम्पल. दिस इज द अक्षरधाम टेम्पल. इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन. क्या है ये? दिस इज द अक्षरधाम टेम्पल. यह अक्षरधाम टेम्पल है. क्या है ये? यह एक अक्षरधाम टेम्पल है. और इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन. यह नदी जो है, यह नदी के तट पर स्थित है. कहाँ पे है? नदी के तट पर स्थित है. और ये कहाँ पे है? ये जो हमारा है, वो हमारा, ये भी हमारा है, जो मतलब अक्षरधाम जो है, ये भी न्यू दिल्ली में है. कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. रिवर यमुना इन न्यू दिल्ली. चलिए आप फिर करते हैं. NEW न्यू दिल्ली. DELHI न्यू दिल्ली. और ये क्या है? अक्षरधाम टेम्पल है. और ये नदी के तट पर स्थित है. और ये जो यमुना है, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर है. दिस इज द होली श्रीन ऑफ वैष्णो देवी इन नॉर्थ इंडिया. इट इज लोकेटेड ऑन त्रिकुटा माउंटेन नियर. ये जो हमारा है वैष्णो देवी मंदिर है ना, यह उत्तर भारत में वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है. किसका? वैष्णो देवी का. वैष्णो देवी आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? वैष्णो देवी, यह उत्तर भारत में वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है. यह त्रिकुटा माउंटेन नियर, तो यह त्रिकुटा के पर्वत के, माउंटेन मीन्स पर्वत ही तो होता है, और त्रिकुटा माउंटेन है मीन्स कि त्रिकुटा पर्वत के निकट, मतलब वहाँ पे पास, नियर मीन्स होता है पास में, तो वही जो हमारा दिया हुआ है कि इट इज़ लोकेटेड ऑन त्रिकुटा माउंटेन नियर. यह त्रिकुटा पर्वत के पास में स्थित है. तो ये कहाँ पे है? ये जो हमारा है वो है, क्लू बॉक्स की हेल्प से देखते हैं, कटरा जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ पे है? कटरा जम्मू एंड कश्मीर. तो फिल करते हैं KATRA कटरा फिल कर लेना. फिर ब्रैकेट में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर लिखेंगे. ये कटरा में जम्मू एंड कश्मीर होगा, वहीं पे कटरा होगा, उसी वहीं पे ये वैष्णो देवी का मंदिर है. जम्मू JA फिल किया, JAM फिर से M एन यू, JAMMU जम्मू एंड कश्मीर, KASHMIR जम्मू एंड कश्मीर. यह उत्तर भारत में वैष्णो देवी का क्या है? मंदिर है, पवित्र मंदिर है. और यह त्रिकुटा पर्वत के पास में है. फिल कर लिया, कटरा जम्मू एंड कश्मीर, KATRA JAMMU एंड KASHMIR कश्मीर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ. दिस इज द फेमस जगन्नाथ टेम्पल. इट इज लोकेटेड इन, यह जो है प्रसिद्ध फेमस जगन्नाथ मंदिर है. ये बहुत
दिस इज द फेमस जगन्नाथ टेम्पल या प्रसिद्ध जगन्नाथ टेम्पल है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये जो हमारा जगन्नाथ टेम्पल है वो हमारा है पुरी में। कहाँ पे है, पुरी में। चलिए फिर करते हैं। ये खाने वाली पुरी नहीं, ये पुरी स्टेट है, पुरी। ये कहाँ पे है, पुरी में। दिस इज द फेमस जगन्नाथ टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन पुरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट सिक्स नंबर आपका। दिस इज द जामा मस्जिद, दिस इज द जामा मस्जिद। इट इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, इट इज लोकेटेड इन। दिस इज द जामा मस्जिद। यह क्या है, यह जामा मस्जिद है और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये क्या है, देखिए, इट इज द लार्जेस्ट, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये जो हमारा है, ये जो जामा मस्जिद है, ये भी हमारा दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। चलिए फिर करते हैं, DELHI दिल्ली। तो जामा मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में है। और ये हमारे, और ये हमारा जामा मस्जिद जो है, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है, ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में। तो ये जो आपके थे इंडिया के, इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिलीजियंस। जो हमारा भारत है वो कई धर्मों का, कई धार्मिक स्थलों का बर्थ प्लेस है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, देयर आर मैनी रिलीजियंस प्लेसेज इन इंडिया। भारत में बहुत सारे रिलीजियंस प्लेसेज हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनके नेम को यहाँ पे हम लोगों ने फिल किया। होप कि आप लोगों को मालूम हो गया कि जो हमारे रिलीजियंस प्लेसेज हैं और ये हमारे कहाँ पे लोकेटेड हैं। ये लोटस टेम्पल है आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये तो ये रिलीजियंस धार्मिक स्थल ही तो है, ये हमारा लोटस टेम्पल है और ये न्यू दिल्ली। तो ये पता ना कि लोटस टेम्पल भी है और ये कहाँ पे लोकेटेड भी है, तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को मालूम हो गया है ना। जामा मस्जिद है वो हमारा पुरी में है, अक्षरधाम है वो न्यू दिल्ली में है। तो होप कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको इस नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में से फिल भी कर लिया होगा। तो आज का आपका चैप्टर 15 रिलीजियंस प्लेसेस कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।